सपा कार्यालय ललितपुर में लोहिया वाहिनी की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष आशीष अहरिया ने की, जिसमें 226 विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, 227 विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र यादव, जिला महासचिव अंकित यादव, नगर अध्यक्ष शफीक जावेद व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष आशीष अहरिया ने सभी कार्यकर्ताओं को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिशा निर्देश दिए व बूथ कमेटी तैयार करने को कहा। साथ ही पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत कर सदस्यता दिलाई। बाद में ललितपुर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने सभी का आभार प्रकट किया। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने नाम नए वोटर बढ़ाने के लिए, नामावली बढ़ाने के लिए एक अभियान चला रखा है। उसी को देखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी ललितपुर ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें अपने क्रांतिकारी नौजवान साथियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर, जो भी युवा 18 वर्ष के हो चुके हैं या किसी कंडीशन से शादी हुई है, तो अपने कहीं से नाम कट के किसी अपने ससुराल में अपना नाम बढ़वाना है, उस अभियान को बढ़ाने के लिए अपने वोटर को बढ़ाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए फॉर्म 6 को वितरण करके अपनी टीम के साथियों को दिया है कि वो अपने क्षेत्र में जाके नए वोटरों को बढ़ाएं। और हमें ये आशा और विश्वास है कि जो भी नए वोटर हैं, नौजवान हैं, वो अखिलेश यादव जी को मानने वाले हैं। अखिलेश यादव की सरकार में जो भी नौजवानों के लिए काम हुए हैं, उनसे वो लोग सभी लोग संतुष्ट हैं। इसीलिए हमारा अभियान चल रहा है कि नए वोटर को बढ़ा के 22 के चुनाव में इस विनाशकारी सरकार को फाड़ फेंकने का काम उन लोगों को करना, समाजवादी सरकार को बनाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे हमारे प्रदेश का, देश का, राज्य का, शहर का विकास हो सका और सभी वर्गों का, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, सभी का विकास हो सके। यही आज हम लोग की मीटिंग करते हैं।